चार फिल्में कर बनी स्टार, सुर्खियों में है लस्ट स्टोरीज की ये एक ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपनी शॉर्ट फिल्म के एक सीन को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। करण जौहर की शॉर्ट फिल्म लस्ट स्टोरीज में कियारा ने एक मास्टरबेशन सीन दिया है जिसे लेकर वे चर्चा में है। कियारा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई जमी शेरगिल की फिल्म फगली से की थी। फिल्म में कियारा ने देवी नाम का किरदार किया था। एक स्वाइप ने की सगाई तो पवन कल्याण ने ऐसे लिखा शुभकामना संदेश। इसके बाद दो साल तक कियारा स्क्रीन पर नहीं दिखी और फिर साल 2016 में उन्होंने अचानक ग्रैंड एंट्री ली। साल 2016 में वह क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म इस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में महत्वपूर्ण भूमिका करती नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और इसके बाद वह साल 2017 में आई फिल्म मशीन में लीड रोल में दिखी। राजनीति के लिए बनाई अपनी पार्टी, जानिए इस एक्टर से जुड़ी 10 बातें। इस साल वह तेलुगु फिल्म भारत अनेनेनु और करण जौहर की शॉर्ट फिल्म लस्ट स्टोरीज में नजर आई हैं। खबर है कि अपकमिंग मेगा बजट फिल्म कलंक में भी कियारा अहम किरदार करती नजर आ सकती हैं। कियारा ने महज 4 फिल्में करके खूब पॉपुलैरिटी कमा ली है। उन्हें इंडस्ट्री में 4 साल से भी कम वक्त हुआ है और वे इतने कम वक्त में स्टार बन चुकी हैं। शॉर्ट फिल्म लस्ट स्टोरीज को लेकर उठे विवाद पर कियारा ने कहा, मुझे लगता है कि यह सामान्य और प्राकृतिक होता जा रहा है। साथ ही वे यह भी सोचेंगे कि इसे क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। इसमें वक्त लगेगा, हर शख्स इससे आश्वस्त नहीं होगा। कभी किसिंग सीन्स भी बहुत बड़ी बात माने जाते थे लेकिन आज नहीं माने जाते।